Bollywood actor Rajkummar Rao Stree has shattered the box office records, crossing the 100 crore rupee mark. Made with a small budget of 20 crore rupees, Stree has become one of the most profitable films of 2018. The actor is on a golden run, especially since 2017 with his film garnering not only audiences' love but also box office points. The actor was speaking at the success bash of Stree on Tuesday. अभी स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी है वो सब खत्म हो गई. अभी सब सब आप सब के हाथ में था और आप सब ने इतना प्यार दिया हमारी फिल्म को कि उसको 100 करोड़ 150 करोड़ तक पहुंचा दिया. एंड इससे ज़्यादा हम कुछ मांग नहीं सकते थे. इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग है. When asked about the status of the film sequel, the actor said, I think जिस तरह से बाहुबली में शुरू हुआ था कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अभी स्त्री ने शुरू कर दिया है कि श्रद्धा चोटी क्यों लेके गई. ये एक शुरू हो गया बहुत ही कमाल का. लोग मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या था सर प्लीज़ बताइए ना, वेट नहीं हो रहा है. बट आई थिंक दैट्स आई थिंक इट विल बी वर्थ योर वेट. जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मोर टाइम, अ कपल ऑफ मोर मंथ्स, विल डेफिनेटली स्टार्ट शूटिंग प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर सम टाइम. एंड या वी आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट स्त्री टू. डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, स्त्री ऑल्सो फीचर्ड श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, Abhishek Banerjee in pivotal roles. Rajkummar will also be seen in Anil Kapoor and Sonam Kapoor starre Clerks Ko Dekha To Hai Sar Laga and Hansol Mehta's Turam Khan alongside Nusrat Bharochar.